आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज आपके साथ बात करेंगे कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, जिसको मनाया जाता है सीता अष्टमी के रूप में या जानकी जयंती के रूप में। तो आइए जानते हैं इस व्रत की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त। आप जान लेते हैं इस व्रत का महत्व क्या है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरु वशिष्ठ जी के कहने पर भगवान राम ने समुद्र तट की तपों में भूमि पर बैठकर ये व्रत किया था। ये व्रत अभीष्ट सिद्धि के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने से माता सीता के साथ साथ भगवान राम का आशीर्वाद भी मिलता है और सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। माता सीता को माता लक्ष्मी का अवतार माना गया है, जिनका विवाह विष्णु अवतार भगवान रामचंद्र जी से हुआ था। सीता जयंती पर प्रभु श्री राम और लक्ष्मी स्वरूपा देवी सीता की पूजा करने से व्यक्ति को जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। सीता अष्टमी 14 फरवरी 2023 को मनाई जाएगी। दिन है मंगलवार। सीता अष्टमी का प्रारंभ होगा 13 जनवरी को 8:15 से और सीता अष्टमी का समापन 14 फरवरी को सुबह 7:40 पर होगा। उदया तिथि को मानते हुए सीता जयंती का व्रत 14 फरवरी दिन मंगलवार को किया जाएगा। आइए जानते हैं पूजा विधि। सीता अष्टमी के व्रत में माता सीता के साथ साथ भगवान श्री रामचंद्र की भी पूजा की जाती है और उनका ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प किया जाता है। पूजा में सबसे पहले भगवान श्री गणेश और माता दुर्गा की पूजा करें। इसके बाद लाल चौकी पर कपड़ा बिछाकर माता सीता के साथ भगवान श्री रामचंद्र की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद माता सीता को सिंदूर, अक्षत, फूल, फल आदि समेत सुहाग का सामान अर्पित किया जाता है। माता सीता का लाल या पीले रंग की चीज़ें अर्पित की जाती हैं। इसके बाद माता देवी सीता की आरती उतारें। फिर इस मंत्र ओम जनक नंदिनी विग्रहे भूमि जाए धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् का 108 बार जप करें। सीता जयंती की पूजा में सर्वधान जौ चावल आदि समेत से हवन किया जाता है और खीर पुए और गुड़ से बने पारंपरिक व्यंजनों का नैवेद्य अर्पण किया जाता है। माता सीता की पूजा करने के बाद सुहाग के सामान को किसी सुहागिन महिला में दे दें और फिर शाम के समय पूजा करने के बाद माता सीता को चढ़ाई गई चीज़ों से ही व्रत खोलें। पूजा की तरह इस पूजा की समाप्ति पे माता सीता से भगवान राम से अपनी भूल चूक की क्षमा अवश्य मांगे। आइए सुनते हैं इस व्रत की कथा। आज जानकी जयंती के अवसर पर पूजा के समय व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं जानकी जयंती की पौराणिक कथा। कथा के अनुसार मिथिला नरेश राजा जनक की कोई संतान नहीं थी। वे अपनी प्रजा से बेहद प्यार करते थे। कई वर्ष तक उनके राज्य में वर्षा नहीं हुई। उनके राज्य में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तब मुनियों ने राजा को अपने राज्य को इस मुसीबत से बचाने के लिए पुरोहितों और मुनियों को यज्ञ करने को कहा और साथ ही राजा से स्वयं खेत जोतने का उपाय बताया। तब राजा जनक ने हल पकड़ा और खेत जोतने लगे। तभी अचानक उनका हल खेत में एक जगह फंस गया और कई
प्रयासों के बाद भी वो नहीं निकला जहाँ हल फंसा हुआ था। जब राजा जनक ने वहाँ की मिट्टी हटवाई तो उन्हें वहाँ एक कन्या मिली। जैसे ही वो कन्या पृथ्वी से निकली तो अचानक से बारिश शुरू हो गई। इस कन्या का नाम राजा जनक ने सीता रखा। उन्होंने सीता को अपनी पुत्री मान लिया। सीता के मिथिला में आते ही वहाँ की खुशियाँ वापस आ गईं। इसके बाद से लोग सुख के साथ जीवन यापन करने लगे। शास्त्रों के अनुसार जिस दिन माता सीता राजा जनक को खेत में मिली थी उस दिन फागुन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। इसके बाद से ही इस तिथि को माता सीता का प्रकाट दिवस मनाया जाता है। ये दिन भक्त बेहद ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। माता सीता के त्याग और पवित्रता की तो लोग कस्में खाते हैं। दोस्तों आप सभी को सीता अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपसे विदा लेते हैं, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।